कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट टॉपिक करवा रहे हैं हम। जो लास्ट टॉपिक है वो टाइप 15 है, यानी जितने भी टाइप हैं सभी कवर किया गया है और एक एक वीडियो टाइप 1 टाइप 2 करके अपलोड किया जा रहा है। खुद देखिए और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। टाइप 15 में कोडिंग डिकोडिंग में देखा गया है इन दिनों कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नहीं, ये दोनों अभी रीजनिंग में पूछा जाने लगा है। पहले ये कंप्यूटर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है एक या दो क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट हो जा रहा है। जैसे रोमन हुआ, ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, उसी तरह इसका भी। तो देखो ये चार सिस्टम यहां पर मैंने दिखाया आपको। बाइनरी बेस दो होता है, 0 और 1। डेसिमल बेस कितने होते हैं? 10। 0 से लेके 9 तक। अब 0 को काउंट करके देखेंगे 9 तक तो 10 हो जाएगा। फिर ऑक्टल में कितना? 0 से लेके, और फिर हेक्सा डेसिमल 0 से लेके 9 और ए बी सी डी ई एफ, टोटल 16 हो गया। तो ये बेस हो गया। क्वेश्चंस ऐसा थोड़ा ना आएगा कि भाई बाइनरी में बेस कितना होता है, ऐसे थोड़ा ना आएगा। कैसे आता है कि आपको कन्वर्ट करने के लिए देगा, बाइनरी नंबर दे देगा, डेसिमल बोलेगा निकालने के लिए। बाइनरी यहां 2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि बेस 2 है। डेसिमल 10 क्यों लिखा गया है? जैसे आप ऐसे देखेंगे वहां पर ये नहीं लिखा रहेगा बाइनरी और डेसिमल, 2 लिखा है, मतलब आप समझ गए कि ये बाइनरी है। कन्वर्ट कहां करना है? 10 में। ऐसा भी हो सकता है डेसिमल दे दिया और कन्वर्ट कहां करना है। तो आइए थोड़ा सा वक्त दीजिए और इस टॉपिक को भी आप तुरंत सीख लीजिए। ध्यान से देखेंगे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इस तरह से आएगा 80 और 10 है, मतलब ये डेसिमल और ये 2, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको देखिए कैसे करेंगे इसको। अरे बहुत ही आसान है, 80 लिखो, 2 से डिवाइड करो, कितना मर गया? 40, 40, कुछ बचा? पूरा का पूरा तो कट गया, इसीलिए यहां से देखिए 0, फिर वापस 2 से कितना आ गया? 20, ये देखिए चेक भी कर सकते हैं आप, 20 × 2 = 0, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा बोलिए? 10, फिर 0, यहां से चेक कर लीजिए, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 5, ये देखिए 5 × 2 = 10 = 0, लेकिन अब जब 2 से करेंगे तो देखेंगे 2 मरते जाएगा, जितना बार जाएगा यहां पर लिखेंगे 4 हुआ 1, क्योंकि आप बोलेंगे सर 2 से क्यों कर रहे हैं? 2 से करने के पीछे रीजन ये है कि आपको 80 जो दिया गया है डेसिमल में दिया गया है, कन्वर्ट किस में करने के लिए बोल रहा है, और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 ही तो होता है। अब देखिए यहां पर देखिए 2, यहां से 2 × 2 = 4 and 1 = 5, अब फिर क्या करेंगे बोलिए? 2 से कितना बार गया? 1 बार 0, यानी अब इधर से लिखना है आपको 1 0, ये देखिए फिर से लिख के दिखा रहे हैं, पहले 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर 1 2 3 4, एक तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन एक मेथड और भी है, बहुत ही आसान मेथड है, यह करने का आपको दरकार भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ 1 से स्टार्ट करना, 1 उसका डबल करना 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल, फिर आपने सर कितना दूर तक जाना है, इससे ज्यादा आपको जाने का दरकार नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देगा। अब हम इसमें से जोड़कर देखेंगे कि 80 किसको किसको जोड़ने से आ रहा है, तो जोड़कर देखेंगे हम लोग। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, देख रहे हैं कि 80 से ज्यादा हो जा रहा है, तो चलिए इसको जोड़कर देखते हैं, 60 और 10 = 70, 80 हो गया, मतलब इसको और इसको जोड़ने से ही 80 हो गया। आप बोलेंगे कि सर अगर 86 होता तो
तो ये दोनों 80 हो गया, फिर ये 4 और ये 2, 6, 36 हो जाता। अब करना कुछ नहीं, देखिए कितना आसान हो गया, ये दोनों को जोड़ने से मेरा 80 आ गया। जिसको जोड़ने से 80 आया है उसको 1 करेंगे, उसको क्या करेंगे 1, और जिसका धन आपको दरकार नहीं था वो 0 हो जाएगा। तो कितना 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी 80 दिया हुआ था, कन्वर्ट करना था बाइनरी में। देखिए कितना आसान से हो गया, फिर से समझ लीजिए आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये दोनों को जोड़ने से मेरा 80 हो गया, तो जिसको जोड़े हैं उसको 1 करेंगे और जिसका कोई काम हम लोगों ने नहीं लिया उसका वैल्यू 0 कर देंगे। तो ये 32 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, देखिए सेम टू सेम आंसर आ गया। आइए एक और करके देखते हैं, एक और आपको समझाते हैं, ठीक है। करेंगे 2 से, यहां 2 लिखेंगे, बोलिए कितना बर्ते में जाएगा, बोलिए 28, ये देखिए 28 इंटू 2 56, 1 हो गया। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, ये देखिए 14 टू 28 0, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 7, ये देखिए यहां से देखिए तो 0, अब फिर 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया। फिर 2 से कितना बार जाएगा, एक बार, 1 बच गया, कहानी खत्म हो गया। यानी मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा उसको देखिए, इस तरह से हम लोग लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे 1, फिर 1, फिर 1, 0, 0, 1 हो गया। आप बोलेंगे नहीं सर मजा नहीं आया, ऐसे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, मत करो ना यार, कौन बोला ऐसे करने के लिए, हम लोग कैसे करेंगे अभी तुरंत आपको बताए थे, क्या लिखेंगे बोलिए, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि 57 से ज्यादा हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना, यहां देखिएगा, अरे 57 से तो ज्यादा हो जा रहा है तो 64 लिखेंगे क्यों, समझो बात को, समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 57 यहां मेरा नंबर है तो हम 64 क्यों लिखेंगे, समझ में आया ना बात, ये नहीं कि एकदम लिखते चले जाना, सर तो बोले थे इसके पहले 64 लिखे थे, अरे 64 लिखे थे क्योंकि वहां पर कितना था, 80 था, लेकिन 64 का डबल करेंगे तो फिर 80 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए वहां रुक गए थे, इसीलिए बोलते हैं स्किप करके मत देखा करो। अब आइए 57, 57 कैसे आएगा, पहले ऐसे आप ऐसे ही देख लीजिए जोड़कर, यहां 30 10 40 46 2 48 48 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है, 48, अब 48 के बाद और 8 जोड़ दीजिए कितना आएगा 56, तो देखिए इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, तो देखिए जोड़ने से 40 32 8 40 10 12 56 आ गया, चाहिए 57, 57, तो ये 1 लेना पड़ेगा। तो आपने कितने चीजों को लिया, ये चारों को, मैंने क्या बोला था जिसको लेंगे उसको 1 और जिसको नहीं लिए उसको 0, यही आंसर आया कि नहीं आया, तो आप किससे करना पसंद करेंगे, इससे या उससे, है ना आसान। यहां ध्यान दीजिए 2 से करेंगे कितना बार जा रहा है, यह सिर्फ देखना है कि कितना बार जा रहा है, तो 14 14 दुनिया 28, यहां देखिए 14 इंटू 2 तो कितना कैरी हुआ, अच्छा देखिए कितना बार जा रहा है, बोलिए कितना बार जा रहा है, तो 0, ये देखिए फिर कितना बार जा रहा है, 3 बार, बोलिए 1 बार, बस खत्म। यानी इसका जो आएगा
यानी 29 10 बोलो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1 0 1। ध्यान से देखेंगे 37 को, 2 से करेंगे 18, ये देखिए एक बच गया, फिर 9 9 into 2 18, कुछ नहीं बचा, फिर 2 से कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा ये देखना है, 4 बार जाएगा, 4 2 8 1, 2 से कितना बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 से कितना बार जाएगा, 1 बार, बन गया। यानी 37 डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको कैसे करना है, इस तरह से 1 0 0 1 0 1। बड़े आगे ये देखिए, 2 से 45 0, फिर 2 से बोलिए कितना, 22, ये देखिए 22 into 2 44 1, 2 से 11 तो 0, देखिए फिर 2 से कितना बार जाएगा, 11 5 बार जाएगा, तो 5 2 10 एक बज गया, फिर 2 से 5 कितना बार जाएगा, 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 4 2 बार जाएगा, तो 2 2 4 तो एक बज गया, फिर 2 का टेबल में 2 एक बार में जाएगा, ठीक है, तो यहां 0। यानी आप बोल सकते हैं 90 10 = 1 0 1 1 0 1 0। अब हम आपको यह बोलना चाहते हैं, ध्यान से समझेंगे कि अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, मत करो ना, क्या वहां पर बोलता है ये मेथड से करना है, नहीं एबीसीडी चुनना है, क्या करेंगे इसे, क्या है 29 है, क्या बोले थे लिखने के लिए, 1, हम एक करके दिखा दे रहे हैं, बाकी 2 आप खुद कर लीजिएगा और कमेंट करके दिखा दीजिएगा कि कैसे कैसे आपने किया था, किसको किसको जोड़कर आपने बनाया, ठीक है ना। देखो आंसर तो आपको पहले से ही पता चल गया है, तो देखिए 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2 2 का डबल 4 का 8 का फिर क्या 32 लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे 32, 29 है, समझ में आ रहा है ना। अब कि कहां तक रुक जाएंगे, 16 का डबल 32, लेकिन हमारा 29 है, इसे 32 लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको जोड़ कर लाना है, माइनस करके थोड़ा ना लाना है। तो देखो 29 कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए 16 और 8 कितना हो गया दोनों मिला के 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29, कहानी खत्म। 1 1 1 इसको नहीं लिया तो 0 1। उम्मीद करते हैं कि फाइंड बाइनरी कोड फ्रॉम डेसिमल आप सीख गए हैं, लेकिन उल्टा डेसिमल आपको मांगेगा और क्या देगा, बाइनरी कोड, वो तो सिखा ही चुके हैं अभी, फिर भी चलो देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं बाइनरी दिया हुआ है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, काम वही करना है, पहला कितना लिखेंगे बोलिए, 1, फिर क्या लिखेंगे, 2, फिर क्या, 4, फिर 8, देखिए सबके सामने लिख रहे हैं, 16 32। जैसा कि पहले भी आपने देखा था कि जो 0 के ऊपर जो जो भी नंबर है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, किससे लेना देना रहेगा, जहां पर 1 रहेगा, तो हम सिर्फ इसमें से 2 ठो जोड़ेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे बोलिए, 64 और 16, क्योंकि देखिए इसके ऊपर 64 है, इसके ऊपर क्या है 16, यानी बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया देखिए, अभी आप कन्वर्ट किए थे कि नहीं किए थे, तो इतना लिखने का भी दरकार नहीं पड़ता है, आप ओरली कर सकेंगे। ये देखिए जैसे आपको ऐसे करना है, 1 का लिखेंगे, 1 जहां जरूरत है वो लिख दिए, 2 फिर यह क्या हो गया, 4 यह क्या हो गया, 8 जरूरत है, 16 का भी जरूरत है, 32 का जरूरत नहीं है,
64 का जरूरत है, बट हमको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। हम अभी आपको बताएं कि कैसे करते हैं, ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि हमको वन है उसके ऊपर जो आएगा उसका नंबर वही हमका दरकार है, बाकी का दरकार नहीं है, तो क्यों करेंगे हम। वैसे हम अभी क्या बोले थे, 1, 2, 4, 8, 16, अननेसेसरी फालतू में यहां पर ये सब आके, अब क्या लेंगे बोलिए, 64 लिख के कर रहे हैं जबकि ऐसा दरकार नहीं है, 64, 16, 8 और 2। अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इसके ऊपर वन था क्यों नहीं लिए, क्योंकि जीरो था, इसके ऊपर फोर क्यों नहीं लिए क्योंकि जीरो था, और इस 32 को क्यों नहीं लिए क्योंकि जीरो था। सभी को जोड़ेंगे, अभी आप नहीं किए थे तो इस तरह से बताइए इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इसका क्या होगा। हम को आप ये नंबर बताएंगे कि इसका क्या आएगा डेसिमल में।